गुजरात बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह नरेंद्र मोदी कैबिनेट में शामिल हो सकते हैं। ये जानकारी गुजरात बीजेपी अध्यक्ष जीतू वघानी ने गुरुवार को एक ट्वीट में दी। वघानी ने ट्वीट में अमित शाह को मंत्री बनने के लिए बधाई दी। एक दिन पहले बुधवार को सूत्रों के हवाले से खबर आई थी कि अमित शाह अध्यक्ष पद पर बने रहना चाहते हैं। हालांकि इस बारे में अमित शाह या बीजेपी की तरफ से कोई आधिकारिक बयान न कल आया था और न आज आया है। गुरुवार को जीतू वघानी के ट्वीट से साफ हो गया कि अमित शाह केंद्रीय कैबिनेट में शामिल हो सकते हैं। आज तक से एक बातचीत में वघानी ने अमित शाह के मंत्री बनाए जाने की सूचना दी। उन्होंने ट्वीट में लिखा, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्रीय मंत्रिमंडल में मजबूत साथी के रूप में शामिल होने पर हमारे पथ प्रदर्शक और मार्गदर्शक श्रद्धेय श्री अमित शाह जी से शुभेच्छा मुलाकात की और शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पार्टी अध्यक्ष अमित शाह के बीच जाहिरा तौर पर विचार विमर्श के साथ ही तेज गति वाले घटनाक्रमों के आज के खास दिन मोदी कैबिनेट के चार दिग्गजों या सुरक्षा मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति के सदस्यों की आकृति कुछ कुछ उभर रही है। हालांकि इसी के साथ ही इसे लेकर इस बात को भी नकारा नहीं जा सकता कि प्रधानमंत्री क्या फैसला लेंगे, इसका अंदाजा लगाना भी लगभग नामुमकिन ही है, जो हमेशा अपने पत्ते छिपा कर रखते हैं। जो संभावना नजर आ रही है उसके अनुसार चार दिग्गज जो हो सकते हैं वह हैं राजनाथ सिंह गृह, सुषमा स्वराज विदेश, अमित शाह वित्त और नितिन गडकरी। हालांकि आखिरी क्षणों में अमित शाह और गडकरी के पोर्टफोलियो बदल भी सकते हैं। बुधवार शाम को राजनाथ सिंह, प्रकाश जावड़ेकर, स्मृति ईरानी, गजेंद्र सिंह शेखावत और राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने पार्टी अध्यक्ष अमित शाह से मुलाकात कर इस बात की पुष्टि की थी कि वे मोदी के मंत्रिपरिषद में शामिल हो सकते हैं। रविशंकर प्रसाद, धर्मेंद्र प्रधान और नरेंद्र सिंह तोमर भी मंत्रिमंडल में शामिल होंगे। राजनाथ सिंह ने प्रधानमंत्री से भी मुलाकात की।